Hello everyone, welcome back to the online lectures of Basic Electrical Engineering. This is lecture number 70 of this subject and module 3 transformer hum pad rahe hain. In the last video, 69th video mein humne kuch discussions kiya tha that was related to the practical transformer jisme humne case discuss kiya tha when we have considered a transformer without any winding resistance and leakage flux, right? So uske baad jo aage ka discussions hai wo hum is video mein karne ja rahe hain. Before that, we are going to create some equivalent circuits. अगर हम ideal transformer की ideal transformer के equivalent circuit की बात करें at no load, ठीक है? तो ideal transformer no load पर एक equivalent circuit हम जो अभी तक बनाते आए हैं, बिल्कुल उसी तरह का equivalent circuit यहाँ पर होगा हमारे पास. तो ये एक ideal transformer है, जिसमें किसी भी तरह का loss नहीं है, किसी भी तरह का drop नहीं है. Primary पर जो भी voltage available है, वही voltage सेकेंडरी पर भी हमें मिल रहा है. सॉरी, दिस इज वी वन, अप्लाइड वोल्टेज वी वन. वी वन एंड ई वन बोथ मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, ऑल्सो वी टू एंड ई टू मस्ट बी इक्वल. एंड सिंस देर इज नो लोड कनेक्टेड ऑन द सेकेंडरी साइड, तो देर शुड बी नो करेंट ऑन द प्राइमरी साइड एज वेल, राइट? तो ये सब चीजें हमने देखी. उसके बाद अगर आप आइडियल ट्रांसफॉर्मर को लोडेड कंडीशन में देखते हैं, आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कैसा होना चाहिए? अगेन सेम ट्रांसफॉर्मर वी हैव, नाउ वी हैव कनेक्टेड ए लोड हियर जेड एल, दिस इज द करंट आई टू, दिस इज द करंट आई वन, ठीक है. तो प्राइमरी पर एक करंट आ जाएगा आई वन, बाकी जो सारी चीजें रहेंगी वो एज इट इज रहनी चाहिए, ठीक है. इसके बाद हमने देखा प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर. प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड, हमने एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर लिया जिसमें कोई भी वाइंडिंग रेजिस्टेंस नहीं था. तो क्या क्या चीजें हमने वहां पर देखी हैं? तो सबसे पहले हम बनाएंगे आइडियल ट्रांसफॉर्मर को, क्योंकि आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बाद ही बाकी सारे कंपोनेंट अपीयर होते हैं. सेकेंडरी साइड पर यहाँ लोड लगा देते हैं ZL, ये है आपका करंट I2, दिस इज V2, दिस इज E2, ठीक है. अब प्राइमरी साइड पर देखते हैं, प्राइमरी साइड पर क्या क्या होना है. यहाँ एक सप्लाई वोल्टेज होगी V1 और जो ओवरऑल करंट जाएगा सप्लाई से वो जाएगा I1, राइट. इसके बाद हमें पता है कि जो I1 करंट है वो I0 एंड I1 डैश का फेजर सम है. साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि जो I0 करंट है वो फेजर सम है I1, IM एंड IW के, राइट. तो सबसे पहले I0 करंट को देख लेते हैं. I0 करंट में हमारे पास दो कंपोनेंट्स ऑफ करंट हैं, जिसमें एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है और एक वर्किंग कंपोनेंट है. मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट एक रिएक्टिव कॉइल के थ्रू जाएगा बिकॉज इट हैज ए फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द सप्लाई वोल्टेज. और जो वर्किंग कंपोनेंट है वो सप्लाई के साथ सेम फेज में है, 0 डिग्री फेज के साथ है, तो वो एक रेजिस्टिव कंपोनेंट के थ्रू जाएगा. तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स अपीयर होते हैं ट्रांसफॉर्मर में जो इन दोनों कंपोनेंट ऑफ करंट्स को सपोर्ट करते हैं. तो दिस रिएक्टेंस इज कॉल्ड नो लोड रिएक्टिव कंपोनेंट एंड दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड नो लोड रेजिस्टिव कंपोनेंट. The current which passes through this resistance is called IW, and the current which passes through this is called IM. The phasor sum is equals to I naught. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद जो I2 current की वजह से demand हुई है circuit में primary side से, that is equals to I1 dash. ठीक है, तो I1 का जो value है वो क्या हो गया? वो हो गया I0 plus I1 dash, right? ये चीज हमें यहाँ पर clearly नजर आ रही है. तो आप देखिए यहाँ पर जो भी हमें चीजें मिली हैं वो कुछ इस तरह से मिली हैं कि हमारे पास जो नो लोड पावर है दैट इज इक्वल्स टू वी वन आई जीरो कॉस फाइव जीरो है. साथ ही साथ जो नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट है आई जीरो दैट इज इक्वल्स टू है आई एम स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू स्क्वायर, वेयर आई एम इज इक्वल्स टू है हमारे पास आई जीरो साइन फाइव जीरो एंड आई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू है आई जीरो कॉस फाइव जीरो, ठीक है. तो ये सारी चीजें हमारे पास हैं. इसके बाद अगर आप
phi naught को निकालना चाहते हैं separately, तो phi naught should be equals to होना चाहिए tan inverse of I m upon I w, ये हमारे पास होना चाहिए. From the diagram ये चीज हमें दिखाई दे रही है. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम आर जीरो का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. आर जीरो इक्वल्स टू वी वन अपॉन आई डब्ल्यू एंड एक्स जीरो इज इक्वल्स टू वी वन अपॉन आई एम, राइट. तो ये सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर एप्लीकेबल है. पी नॉट को हम बोलते हैं नो लोड पावर और कॉपर लॉस और आयरन लॉस. दिस इज नो लोड करेंट. This is magnetizing component of no load current. IW is working component of no load current, and these two elements are the elements of no load elements. ठीक है, इनको हम बोलते हैं no load elements. तो ये सारी values यहां से निकल कर आती हैं. और इस circuit में आप देखते हैं कि ये जो portion है, ये जो dotted line से बना रहे हैं, this is the equal ideal transformer. ये ideal transformer ही है. ठीक है, तो यहां तक हमने अभी तक कवर अप कर लिया है. अब अगर सारी चीजों को समराइज करें तो दीज आर द थिंग्स जो हमने अभी तक कवर की है. अब आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस भी होगा, जो सेकंड केस डिस्कस करना है हमें. ट्रांसफॉर्मर विद वाइंडिंग रेजिस्टेंस and leakage reactance. ठीक है, इस केस को हमें यहां पर डिस्कस करना है. तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें वाइंडिंग रेजिस्टेंस का, इसका क्या मतलब है. वाइंडिंग रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर. This is called ideal transformer, right? ये जो coils हैं, these coils are made up of copper. ठीक है, copper material की ये बनी हुई है, क्योंकि copper material एक अच्छा conductor कहलाता है. That is why यहाँ पर हम copper material को use करते हैं. But copper material में भी एक small value of resistance हमेशा होता है. So since we have two windings, one is on primary side, second is on secondary side, तो दोनों windings पर जो कॉपर मटेरियल यूज हुआ है उस मटेरियल का अपना खुद का रेजिस्टेंस है. दोनों साइड पर सेपरेट रेजिस्टेंस है बिकॉज दोनों साइड आपस में दो एक दूसरे से इंसुलेटेड है. ठीक है, तो इस कारण से दोनों वाइंडिंग्स में जब भी करंट फ्लो करता है सेपरेटली, एक पावर लॉस दोनों साइड अपीयर होता है. प्राइमरी साइड पर अगर आप पावर लॉस देखोगे तो आई वन स्क्वायर आर वन होना चाहिए, और सेकेंडरी साइड पर देखोगे तो आई टू स्क्वायर आर टू होना चाहिए. यानी कि R1 is the resistance of primary side, R2 is the resistance on secondary side. That means we can connect a resistance in series with the winding, which is nothing but the internal resistance of the winding, which appears like this. जिसकी वजह से ये I1 square R1 एक drop circuit में होता है जब भी यहाँ से current flow करता है. Similarly, on the secondary side, we will have another resistance R2. जब भी वहां से करंट फ्लो होगा उसमें भी एक ड्रॉप जो आई टू स्क्वायर आर टू है पावर लॉस, वो वहां पे अपीयर होता है. ठीक है, इन लॉसेस को हम बोलते हैं कॉपर लॉसेस. दीज आर कॉपर लॉसेस. दिस इज कॉपर लॉस ऑन प्राइमरी साइड, दिस इज कॉपर लॉस ऑन सेकेंडरी साइड. और अगर आपको टोटल कॉपर लॉस चाहिए ट्रांसफॉर्मर का तो यू सिंपली एड अप दीज टू टर्म्स, आपको टोटल कॉपर लॉस मिल जाता है. I1 square R1 plus I2 square R2. ठीक है, तो ये तो हुई winding resistance की बात, कि winding resistance कहां से आया है. अब बात करेंगे हम leakage reactance की. Second part of this is
लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। लीकेज रिएक्टेंस में अगेन वी विल क्रिएट अ डायग्राम, ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम बनाते हैं। ये प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग्स होंगी हमारी, ठीक है। यहाँ हम सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं, हियर वी हैव कनेक्टेड ए लोड ZL, दिस साइड करंट I1 इज हियर, दिस साइड ए करंट I2 इज हियर, एंड ए फ्लक्स इज देयर इन द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर phi. नाउ अभी तक हम बात कर रहे थे कि जितना भी फ्लक्स ट्रांसफॉर्मर में जा रहा है वो सारा का सारा कन्फाइंड है, अपने पाथ पे चलता है, किसी भी तरह का ड्रॉप, किसी भी तरह का लीकेज कहीं से नहीं होता। बट इन केस ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, चूंकि एक ट्रांसफॉर्मर बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना है, आगे जब हम कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट पोर्शन देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक कोर है, ये जो कोर है, दिस इज नॉट ए सॉलिड मटीरियल, ये बहुत सारे पार्ट से जोड़ के बनाया जाता है। तो चूंकि ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का एक छोटा एयर गैप, जो गैप है वो हो जाता है, चाहे आप कितना भी अच्छा ज्वाइंट क्यों ना लगाएं, वहां पर हम सिंपली उनको एक के ऊपर एक रख के जोड़ देते हैं, टाइटली उनको बाइंड कर देते हैं, बट स्टिल देयर इज सम काइंड ऑफ गैप अवेलेबल, वहां पर कुछ ना कुछ गैप रह जाता है। तो जितना भी जिस भी तरह का गैप ट्रांसफॉर्मर में है, उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों में एक फ्लक्स लीक होता है, ठीक है। ये जो प्राइमरी साइड पर फ्लक्स है, ये जो प्राइमरी साइड पे फ्लक्स लीक करेगा, दैट विल बी कॉल्ड phi L1, यानी कि लीकेज फ्लक्स ऑन द प्राइमरी साइड। सिमिलरली एट दिस साइड एंड दिस साइड, बोथ साइड कुछ ना कुछ फ्लक्स लीक करता है। ये है ट्रांसफॉर्मर का लीकेज फ्लक्स phi L1, राइट। तो इस तरह से ये सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फ्लक्स आपको मिलेगा, ये जो फ्लक्स है ये इस डायरेक्शन में इधर से आ रहा है, जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं वैसे ही इस साइड से कुछ फ्लक्स लीक हो गया जो अपने आप यहाँ सर्कुलेट होता रहेगा, और इस साइड पर भी एक फ्लक्स लीक हो गया जो इसमें सर्कुलेट होता रहता है। ये सर्कुलेट होगा यहीं पर, ये कहीं और नहीं जाएगा, राइट। अब जितना भी फ्लक्स लीक हुआ उसको छोड़ के जितना फ्लक्स बचेगा वो पूरा सर्किट के अंदर जा रहा है। सिमिलरली जो काम प्राइमरी साइड पर हुआ वही सेम सेकेंडरी साइड पर होता है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फ्लक्स लीक कर जाता है इन दीज बोथ साइड्स, ठीक है। तो इस फ्लक्स को हम कहते हैं phi L2, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड phi L2, राइट। तो phi L1 एंड phi L2 बोथ आर द लीकेज फ्लक्सेस, ठीक है। ये दोनों लीकेज फ्लक्स हैं। एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग में इन दोनों फ्लक्स का कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये लीक हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं जो phi L1 है दैट इज ओनली लिंकिंग विद द प्राइमरी साइड, और जो phi L2 है दैट इज ऑल्सो लिंकिंग ऑन द सेकेंडरी साइड, राइट। चूंकि फ्लक्स ऑल्टरनेटिंग नेचर का है, जो मेन फ्लक्स है वो ऑल्टरनेटिंग नेचर का है, तो उसमें से जो भी फ्लक्स लीक करेगा दैट विल ऑल्सो हैव द सेम नेचर, वो भी एक ऑल्टरनेटिंग नेचर का ही होना चाहिए, ठीक है। अब चूंकि ऑल्टरनेटिंग नेचर का ही फ्लक्स लीक हो रहा है, तो वो EMF प्रोड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्यों करेगा? क्योंकि प्राइमरी पर भी नंबर ऑफ टर्न्स है, सेकेंडरी पर भी नंबर ऑफ टर्न्स है, तो जो भी कंडीशन EMF इंड्यूस करने की है वो सारी की सारी यहाँ पर भी फुलफिल हो रही है। दैट मीन्स इफ फ्लक्स दिस फ्लक्स phi L1 विल प्रोड्यूस ए लीकेज EMF EL1 ऑन द प्राइमरी साइड, एंड ऑन द सेकेंडरी साइड दिस phi L2 विल प्रोड्यूस अनदर EMF दैट इज कॉल्ड EL2, करेक्ट। So EL1 and EL2 both has been produced by the leakage fluxes on the both sides, right? What is this EL1? EL1 is the EMF. एक voltage है inductive coil के through जो produce हुआ है। आप कह सकते हैं EL1 is nothing but equals to current which is flowing on the primary side multiplied with the reactance of the primary. Similarly, this EL2 can be considered as the current on the secondary side multiplied with the रिएक्टेंस X2, ठीक है। नाउ व्हाट आर दीज X1 एंड X2? बेसिकली दीज X1 एंड X2 आर कॉल्ड लीकेज रिएक्टेंसेस।
ये लीकेज रिएक्टेंसेस कहलाते हैं. अब I1 and X1 and I2 and X2, both are just like reactive drops. A reactance is there, which is multiplied with the current, is a reactance drop. Similarly, on the secondary side, we have another reactance. इस रिएक्टेंस का, इस रिएक्टिव ड्रॉप का क्या मतलब है? जो भी ईएमएफ प्राइमरी साइड पर प्रोड्यूस हो रहा था, उसमें से इतना फ्लक्स phi L1 वो लीक कर गया, जिसकी वजह से उसने खुद का एक ईएमएफ बनाया EL1, that has to be reduced from the main EMF E1. वो मेन ईएमएफ में से रिड्यूस हो जाना चाहिए. दैट मींस देयर इज ए रिएक्टिव ड्रॉप. ये एक रिएक्टिव ड्रॉप की तरह काम कर रहा है. ऑन द सेकेंडरी साइड ऑल्सो वी कैन सी दिस कि EL2 ए रिएक्टिव ड्रॉप की तरह काम कर रहा है, जो एक वोल्टेज में से उसको रिड्यूस करेगा, राइट? तो अगर आप इसको नॉर्मल डायग्राम में लगा के देखने तो कैसा ये दिखाई देगा? ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा कि ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी साइड पर एक रिएक्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू एक्स वन है, यहाँ पर एक वोल्टेज V1 है और एक करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो I1 X1 होगा. सिमिलरली ऑन द सेकेंडरी साइड वी ऑल्सो हैव अनदर रिएक्टेंस जिसका वैल्यू है X2, ZL इज हेयर, ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेकेंडरी साइड, तो द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रिएक्टेंस इज I2 X2, करेक्ट? दिस इज कॉल्ड लीकेज रिएक्टेंस. अब अगर हम दोनों केसेस को कंबाइन करें, केस वन एंड केस टू जो हमने अभी अभी डिस्कस किए वाइंडिंग्स के, उन दोनों को अगर कंबाइन करें एंड कंबाइनिंग ऑल द क्वांटिटीज फ्रॉम द नो लोड साइड, तो व्हाट काइंड ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट वी विल हैव? वी विल हैव आइडियल ट्रांसफॉर्मर. दिस इज द आइडियल ट्रांसफॉर्मर. देन वी हैव winding resistance R1, leakage reactance X1, this is the supply voltage V1. On the secondary side we have winding resistance R2, leakage reactance X2, and load is connected ZL, current is here I2, current is here I1. This is the complete case. आप देखते हैं प्राइमरी साइड पर एक वोल्टेज ड्रॉप यहां पर हुआ I1 R1, एक वोल्टेज ड्रॉप यहां पर हुआ I1 X1. सिमिलरली हियर यू हैव R2, I2 R2 एंड I2 X2. ठीक है, अगर आप सिंपली यहां पर देखना चाहें तो आपको क्लियरली दिखाई देगा एक चीज, ये कि जब हमने V1 वोल्टेज अप्लाई किया और यहां से करंट फ्लो होना शुरू किया, तो फिर एक ड्रॉप यहां पर हुआ, दूसरा ड्रॉप यहां पर हुआ, इसके बाद जो भी वोल्टेज पहुंचा आपको यहां पर इन दो टर्मिनल के बीच में, दैट इज बेसिकली द फेजर सम ऑफ दिस V1, दिस I1 R1 एंड दिस I1 X1. सिमिलरली वट एवर द ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड हियर आफ्टर दिस E2, अगर E2 से V2 के बीच में जाने में देखें तो E2 एंड V2 बोथ आर नॉट इक्वल दिस टाइम, बिकॉज दिस E2, this I2 R2 and this I2 X2, all these voltages will have a phasor sum, then only you will obtain a voltage at these terminals V2. Uske baad aapko milega ye V2. So in this case V2 is not equals to E2 and V1 is not equals to minus of E1. There is some difference in these two because of this leakage reactance and winding resistance. So here you can see this V1 is equals to minus of E1 plus I1 into R1 plus JX1. अगर आप total impedance देखें तो impedance is R1 plus JX1. तो this should be the voltage V1. ठीक है? Where I1 is equals to, I1 का value हमारे पास है I0 plus I1 dash. ये हमें पता है, पहले से हम करते हुए आ रहे हैं. I1 is equals to है I0 plus I1 dash. Similarly, V2 को आप लिख सकते हैं, V2 is equals to E2 minus I2 into R2 plus JX2. Right? यहां पे आप लिख सकते हैं कि impedance
of primary side is equals to Z1 bar R1 plus j X1. Similarly, impedance of secondary side Z2 bar is equals to R2 plus j X2. ये आपको total impedance मिल गया है दोनों side का. Also, you can write here as from this relation E2 is equals to V2 plus I2 R2 plus JX2. Okay. Now we will represent all these quantities by using phasor diagram. Phasor diagram banate hain. So phasor diagram banane ke liye hamare paas jitni quantities hum abhi tak banate aa rahe hain, wo sari quantities yahan par bhi exist karengi. Hamare paas flux hai ek. This is flux phi. This is the magnetizing component IM, right? Then we have applied voltage, जो कि flux से 90 degree आगे होता है, and V1 के equal and opposite हमारे पास होता है E1 and E2, ठीक है? Correct? Now E1 और V1 both are not exactly equal and opposite this time. ये चीज हमने देखी है ऊपर, तो हम यहां पर मैग्नीट्यूड में थोड़ा डिफरेंस बनाएंगे. इट शुड हैव सम वैल्यू ऑफ V1 लाइक दिस, वेयर V1 इज ग्रेटर देन E1. ये चीज हमें क्लियरली यहां से दिखाई दे रही है कि V1 इज ग्रेटर देन E1 नाउ. सो दिस इज V1, ठीक है? नाउ इज इट इक्वल टू V1? क्या ये डायरेक्टली इक्वल्स टू V1 होना चाहिए? क्योंकि अभी हमने जो ड्रॉ किया है वो E1 के एग्जैक्टली 180 डिग्री फेस आउट ऑफ फेस में ड्रॉ किया है ये. बट ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें कह रहा है कि V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 J I1 X1, यानी कि इन सब का जब फेजर सम करेंगे तब हमें मिलेगा V1. तो दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू V1 दिस टाइम. इसको यहां से हटा देते हैं, ये V1 नहीं होना चाहिए. तो क्या होना चाहिए ये? देखिए, हम जब V1 कैलकुलेट करेंगे तो V1 कैलकुलेट करने के लिए हमें माइनस ऑफ E1 की जरूरत पड़ेगी. चूंकि E1 नीचे ड्रॉ किया गया है, ठीक है, हमारे पास E1 नीचे है, तो E1 को अगर हम ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में प्लॉट करते हैं तो हमें माइनस ऑफ E1 मिलना चाहिए. तो माइनस ऑफ E1 को बनाने के लिए हमें एग्जैक्टली बराबर लाइन चाहिए होगी. तो अब ये हमारे पास होगा माइनस ऑफ E1. वी डोंट नो वेयर इज V1, बट फॉर नाउ वी कैन ड्रॉ दिस माइनस ऑफ E1, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमें क्लियरली कह रहा है कि V1 को कैलकुलेट करने के लिए हमें माइनस ऑफ E1 की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है? तो ये चीजें हमने लिख ली हैं, इतना हमारे पास सारी चीजें हैं, अवेलेबल है सब कुछ. उसके बाद जो वर्किंग कंपोनेंट है, वर्किंग कंपोनेंट यहां पर होना चाहिए. This should be working component IW. It should be in phase with the primary EMF. ठीक है? And the phasor sum of these two currents will give you I naught. ठीक है? I naught का जो direction है वो near to this IM होना चाहिए. Why? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि I naught जितना ऊपर की तरफ को जाएगा towards this वोल्टेज ऑफ प्राइमरी साइड, उतने ज्यादा लॉसेस आपके बढ़ेंगे. क्योंकि I नॉट को जितना ज्यादा रिएक्टिव कंपोनेंट होगा I नॉट के अंदर, उतना ज्यादा अच्छा है ट्रांसफार्मर के लिए, right? तो इतना हमने ड्रॉ कर लिया है, दिस इज डन. नाउ सेकेंडरी साइड का अगर आप रिलेशन देखें तो आपको दिखाई देता है V2 इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2 प्लस J माइनस J I2 X2, और E2 is equals to V2 plus J, V2 plus I2 into R2 plus J X2. तो हमें क्या चाहिए? हमें एक कंपोनेंट चाहिए I2 R2 और एक कंपोनेंट चाहिए J I2 X2. ये दो कंपोनेंट अभी हमें जरूरत है, और इन दोनों कंपोनेंट को बनाने के लिए वी मस्ट हैव द करंट I2, ठीक है? नाउ कंसीडरिंग दैट कि हमारे पास इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड में करंट लैग करता है, तो सेकेंडरी साइड पर हम एक करंट बनाएंगे. दिस इज द करंट विच इज लैगिंग, ठीक है?
सेकेंडरी साइड के वोल्टेज से वो लैग करना चाहिए। अब सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कैसे आएगा? वोल्टेज लाने के लिए हमें E2 में से I2 R2 को और J I2 X2 को माइनस करना है, राइट? या फिर आप कहें कि E2 को बनाने के लिए, जो कि हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, दिस इज E2, दिस शुड बी इक्वल्स टू द सम ऑफ दीज थ्री कंपोनेंट्स, ठीक है? तो सबसे पहले हम I2 R2 देख लेते हैं, I2 R2 और I2 X2 कहां होने चाहिए। नाउ हमें वेक्टर V2 को कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि V2 के साथ इन दोनों क्वांटिटी को अगर फेजर सम करें तो E2 हमें मिल जाए। उसके लिए हम V2 को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ कहीं, लेट अस से V2 आपका यहाँ कहीं है, इसको I2 को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, लेट अस से ये I2 यहाँ पर है, दिस इज I2। And we have V2 here. This is V2. तो हमें क्या करना है? हमें V2 में I2 R2 और J I2 X2 को add करना है। कैसे करेंगे? I2 R2 कहाँ होना चाहिए? I2 R2 basically voltage, resistive voltage. We can say resistive voltage है जो voltage current के साथ same phase में होनी चाहिए। तो अगर आपका current यहाँ पर है, ये I2 current, this is the I2 current. तो I2 R2 भी एग्जैक्टली इसी के साथ सेम फेस में होगा। सेम फेस में होने के लिए आपको वोल्टेज के ऊपर, ये वोल्टेज है, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो एग्जैक्टली करंट के साथ सेम फेस में होगी। दिस इज इक्वल्स टू I2 R2, ठीक है? इन दोनों के बीच में जो फेजर फेज डिफरेंस है दैट इज phi 2। वोल्टेज V2 एंड I2 के बीच में फेज डिफरेंस है phi 2। And here is a voltage drop across the resistance, which is in phase with the current I2. Second drop is J I2 X2, yani ki ek reactive drop hai, ek reactance ke through hai, ek purely inductive coil ke through hai. To jo bhi voltage aur current ke beech mein ek inductance mein, ek inductive coil mein relation hota hai, wo hota hai 90 degree ka phase shift, jisme current hamesha piche chalta hai. Ab aap dhyan se dekhiye ki agar aapko is I2 ke साथ रिलेशन में रिएक्टिव वोल्टेज को ड्रॉ करना है जिसमें कंडीशन ये है कि करंट को पीछे चलना चाहिए। तो अगर मैं इस करंट को वापस से यहाँ ड्रॉ करूं, दिस इज द करंट I2, तो व्हाट शुड बी, वेयर शुड बी द वोल्टेज? वोल्टेज शुड बी समथिंग लाइक दिस, तभी ये 90 डिग्री का फेज शिफ्ट बनेगा और 90 डिग्री से लैग करेगा। तो एक वोल्टेज हमें बनाना है जो हमारे पास यहाँ पर है I2 X2 के बराबर, ये 90 डिग्री के साथ लीड करते हुए बनेगा करंट से। तो करंट से 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल पर करंट से होगी। दिस इज द वोल्टेज I2 X2, ठीक है? ये बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री से है, ये करंट है, इसके साथ सेम फेस में था I2, उसी के ऊपर परपेंडिकुलरली एक लाइन हमने ड्रॉ की जो I2 X2 हमें दे रही है। और I2 X2 को अगर आप ड्रॉ करके यहाँ पर मिलाएंगे, दिस विल गिव यू द वैल्यू E2, ये है आपका E2। ठीक है, क्लियर है ये चीज? और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं कि I2 R2 को अगर आप कंबाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ Z2, तो वो आपको कुछ इस तरह का मिल जाना चाहिए। ये आपके पास हो जाएगा I2 Z2, टोटल इम्पीडेंस ड्रॉप, ठीक है? तो ये सेकेंडरी साइड का हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने ये रिलेशन जो ऊपर लिखा है E2 is equals to V2 plus I2 R2 plus JX2, उसको हमने यहाँ पर अचीव कर लिया है। ये है परपेंडिकुलर। अब ऊपर चलते हैं प्राइमरी साइड पर। प्राइमरी साइड पर हमारे पास करंट से कुछ रिलेशन है, I0 हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि I2 के साथ एक करंट जो अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ होता है, जिसको हम कहते हैं I1 डैश। दिस इज I1 डैश, एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए I2 के, जो कि काउंटर बैलेंसिंग करंट है। साथ ही साथ I1 और I0 एंड I1 डैश दोनों को जब आप कंबाइंड करते हैं तो आपको मिलता है एक प्राइमरी करंट I1,
this is equals to I1, ठीक है, I1 हमें मिल गया है. Now हमें कैलकुलेट करना है V1, that should be equals to minus of E1, जो यहां पर है. इसके साथ ये दो वोल्टेजेस जो I1 R1 है और J I1 X1 है, इन दोनों को फेजर सम करेंगे. सबसे पहले I1 R1 को देखते हैं. I1 R1 is a voltage which should be in phase with the current I1. तो I1 करंट ये है, बिल्कुल एग्जैक्टली इस वोल्टेज के साथ, इस करंट के साथ पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ होगी. ये बन गई पैरेलल लाइन I1 R1. आप देखिए ये दोनों जो लाइंस हैं I1 का और I1 R1 का, बोथ शुड बी इन पैरेलल. ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए I1 X1. I1 X1 अगेन रिएक्टिव वोल्टेज है जो करंट के साथ 90 डिग्री से लीड करके बनाएंगे. अगेन आप यहां पर देखेंगे तो ये आपके पास करंट है I1. अगर यहां से आपको 90 डिग्री से लीड करते हुए एक वोल्टेज बनानी है तो इट शुड बी लाइक दिस. इस तरह का वोल्टेज होना चाहिए, राइट. तो इस V1 को 90 डिग्री के साथ अचीव करने के लिए I1 R1 के ऊपर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री पे होगी. ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया, दिस इज I1 X1. And when you draw this point to this point, यहां से अगर इसको आप यहां पर draw करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा voltage V1. ये अगर आप इसको यहां पर draw करोगे, this is voltage V1. This is phasor V1. This is 90 degree. और अगर आपको impedance चाहिए तो आप impedance triangle को पूरा कर लीजिए. यहाँ पर dotted line से आप बनाएंगे तो आपको I1 Z1 भी मिल जाएगा. ठीक है, अब आप आसानी से यहाँ पर angles को mentioned कर सकते हैं. Angles के लिए आपके पास V1 और I1 के बीच में जो angle है, that is phi 1. V1 और I0 के बीच में जो एंगल है, दैट इज phi 0. तो ये कंप्लीट फेजर डायग्राम है ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर फेजर डायग्राम फॉर द इंडक्टिव लोड. इंडक्टिव लोड के लिए हमने ये बनाया है. ठीक है, स्टेप्स अगर आप देखेंगे कि किस स्टेप्स में हमने बनाया, क्योंकि स्टेप सबसे जरूरी है, क्या क्या हम सबसे पहले ड्रॉ कर रहे हैं. तो फर्स्ट पॉइंट पर हम बनाते हैं फ्लक्स फाई को. ठीक है, सबसे पहले हम फ्लक्स बनाते हैं. उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं ईएमएफ ई1 एंड ई2 को, क्योंकि हमें पता है जो फ्लक्स है वो 90 डिग्री से लीड करता है दोनों ईएमएफ से, ई1 और ई2 से. करेक्ट, देन थर्ड पॉइंट पर हम ड्रॉ करते हैं माइनस ऑफ ई1 फेजर अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि नीचे से ऊपर की तरफ को जाएगा. अपोजिट डायरेक्शन में हमने माइनस ऑफ ई1 को ड्रॉ किया है. Then we draw the no load component I0. उसके लिए हमें चाहिए आई एम आई डब्ल्यू एंड आई नॉट. ठीक है, हमें ये सारे कॉम्पोनेंट्स की जरूरत पड़ती है आई नॉट को ड्रॉ करने के लिए. तो आई नॉट हमने ड्रॉ किया, जिसके लिए हमें आई वन आई एम और आई डब्ल्यू की जरूरत पड़ेगी. पांचवें नंबर पे हमें ड्रॉ करना है करंट आई टू ऑन द सेकेंडरी साइड, जो डिपेंड करता है लोड के ऊपर किस टाइप का लोड है. चूंकि हमने यहाँ पर इंडक्टिव लोड को कंसिडर किया था, तो इस वजह से हमने लैगिंग करंट यहां पर ड्रॉ किया हुआ है. दिस इज द लैगिंग करंट I2. सिक्स्थ पॉइंट पर हम V2 को ड्रॉ करते हैं, और V2 को कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि V2 के साथ अगर हम I2 R2 और I2 X2 की पोजीशन सेट करें तो इट शुड बी इक्वल्स टू E2, राइट. तो सिक्स पॉइंट पर आप अगर V2 को ड्रॉ करते हैं, सेवेंथ पॉइंट पर आप I2 R2 एंड I2 X2 को ड्रॉ करते हैं, तो आपको सबका मिला के जो फेजर सम है वो मिल जाता है E2 के बराबर. तो ये सेकेंडरी साइड आपकी कंप्लीट हो जाती है. फिर आप पहुंच जाते हैं प्राइमरी साइड पर. प्राइमरी साइड पर सबसे पहले आप ड्रॉ करते हैं I1 डैश, जो कि एग्जैक्टली I2 के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए. उसके बाद नाइन्थ पॉइंट पर आप ड्रॉ करते हैं I1 को, दैट शुड बी इक्वल टू द फेजर सम ऑफ I0 एंड I1 डैश. Then further you want to obtain the V1 voltage. For that purpose you draw I1 R1 and I1 X1. I1 R1 should be in parallel with the current I1 and I1 X1 should be perpendicular to the I1.
this should be leading, right? And lastly, आप combine करते हैं इन सारे phasors को तो आपको मिल जाता है V1. तो इस order में इस phasor diagram को आप बना के अगर practice करेंगे, इन सारे points को याद रखेंगे, समझेंगे कि हम किस किस को कहाँ कहाँ बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, क्या relation develop हो रहे हैं, तो आपको clearly phasor diagram अच्छे से समझ में आएगा. Otherwise, अगर आप इसको रटने की कोशिश करेंगे, इन लाइंस को याद रखने की कोशिश करेंगे, तो बड़ा मुश्किल है इन चीजों को याद रख पाना. एंड दीज आर द टू रिलेशन जो आपको याद रखने हैं, V1 और V2 का, राइट? नाउ अगर आप फेजर डायग्राम को रेजिस्टिव लोड के लिए ड्रॉ करना चाहते हैं, फॉर द रेजिस्टिव लोड, तो हम क्विकली ड्रॉ कर लेते हैं. वी हैव फ्लक्स phi, करंट IM, E2 माइनस ऑफ E1, क्योंकि रेजिस्टिव लोड है तो रेजिस्टिव लोड के लिए करंट सेम फेस में होना चाहिए. दिस इज योर करंट I2. ऑल्सो इन दिस केस, ओके, दिस इज नॉट वोल्टेज V2. V2 शुड बी हियर समवेयर हियर, क्योंकि हमें फेजर सम करना है एंड द सेम फेस में आपके पास होना चाहिए I2. अब आपके पास I2 R2 और I2 X2 है, तो I2 R2 को बनाने के लिए आप सेम फेस में एक लाइन बनाएंगे, क्योंकि सारी चीजें एक ही लाइन पर हैं, तो सेम फेस में बनाने के लिए आपको उसी लाइन पर बनाना होगा I2 R2. एंड फर्दर जब आप 90 डिग्री एक लाइन ड्रॉ करेंगे टू ड्रॉ दिस I2 X2, तो ये लाइन आपको यहाँ कहीं पे मिल जाएगी. तो दिस विल बी योर E2. राइट, तो ये आपका E2 हो गया है. दिस इज परपेंडिकुलर. सेकेंडरी साइड इज ओवर. प्राइमरी साइड पर चलते हैं. दिस इज IW एंड द सम ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स I0. इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस I2 वी हैव I1' एंड द फेजर सम इज इक्वल्स टू I1. ठीक है, देन वी हैव I1 R1 here, I1 X1 perpendicular to this 90 degree angle pe, and when you join this line, aap jab is line ko jodte hain yahan pe, this gives you V1. ye hai aapka V1, ठीक है. एंड एंगल्स फिर से हम बना लेते हैं V1 और I1 के बीच में Φ1 एंड V1 और I0 के बीच में Φ0. तो ये रेजिस्टिव लोड के लिए हमने बना लिया है फेजर डायग्राम. एग्जैक्टली जो रिलेशन है बस आपको करंट के लिए यहाँ ध्यान रखना है. सिमिलरली इफ यू वांट टू ड्रॉ फॉर द कैपेसिटिव, कैपेसिटिव लोड के लिए बना लेते हैं. इस बार मैं थोड़ा सा क्लियरली बनाऊंगा लाइंस के थ्रू. दिस इज वी हैव So this is the phasor diagram for capacitive load. ठीक है, थोड़ा मैंने better बनाया है lines draw करके. Steps बिल्कुल exactly वही हैं. Flux बनाने के बाद हमने EMF बनाया, minus of E1 बनाया, then I0 create करने के लिए IM और IW को draw किया, then further V2 को कुछ इस तरह से बनाया कि V2 के साथ अगर I2 R2 और I2 X2 को phasor sum करें तो V2 हमें मिले. V2 पे फेजर हम करने के लिए हमें I2 की जरूरत पड़ेगी, एंड चूंकि हमारा कैपेसिटिव लोड है और कैपेसिटिव लोड के लिए हमें लीडिंग बनाना है, तो ये देखिए आपको जो एंगल ऑफ लीड मिलेगा दैट इज Φ2 एंगल. लीडिंग एंगल है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है. आप इस I2 को
इस तरफ ना बना के अगर V2 के साथ इस साइड में बनाएंगे तो भी सेम लीडिंग केस हम ड्रॉ कर सकते हैं, डजंट मैटर कि कितना एंगल हम ले रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में I2 R2 और I2 X2 को हमें ड्रॉ करना है। फर्दर काउंटर बैलेंसिंग करंट I1 जो I2 के साथ अपोजिट में बनाया गया है I1, देन I1 और I0 को फेजर सम करके I1 लिया, I1 के बाद I1 R1 I1 X1 एंड देन फाइनली वी गॉट दिस V1। तो स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे तो फेजर डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा। टाइप ऑफ लोड के अकॉर्डिंगली हम एंगल ऑफ लैग और एंगल ऑफ लीड को कंसिडर करते हुए प्रॉपरली फेजर डायग्राम बना सकते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के लिए, ठीक है। सो इन दिस वीडियो व्हाट इज द टेक अवेज, क्या क्या हमने सीखा है। सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाना देखा आइडियल ट्रांसफॉर्मर नो लोड पर। ये सर्किट हम पहले से बनाते आ रहे थे तो हमने देखा कि इस टाइप का सर्किट हम बनाते हैं। उसके बाद जब लोड लगाया आइडियल ट्रांसफॉर्मर पे तो करंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पर I1 करंट हो गया, यहाँ I2 करंट हो गया। देन प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड हमने कंसिडर किया विदाउट कंसिडरिंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, तो ये एक डायग्राम बन के सामने आया जिसके बाद ये सारे फॉर्मुलेज यहाँ पर निकलते हैं। एंड देन फाइनली वी हैव कंसिडर्ड ए केस वेयर वी आर टेकिंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस बोथ। वाइंडिंग रेजिस्टेंस को देखा हमने कहाँ से आया है और लीकेज रिएक्टेंस को देखा कहाँ से आया है। उसके बाद सर्किट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन सब क्वांटिटीज का, उन सब को देखते हुए हमने इन दोनों केसेस को कंबाइन करते हुए कंप्लीट सर्किट डायग्राम बनाया, जिसमें हमें ये एक सर्किट डायग्राम दिखाई देता है। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में V1 V2 के जो रिलेशन देखते हैं वो रिलेशन हमें मिलते हैं ये वाले, जिन रिलेशंस को हमें फेजर डायग्राम के थ्रू बनाना है। तो फेजर डायग्राम पे हमने इन दोनों रिलेशंस को बनाते हुए अपने जो 11 स्टेप्स हैं इन स्टेप्स में इस तरह से इनको फॉलो करते हुए प्रॉपर 3 फेजर डायग्राम बनाए, 3 टाइप के लोड के लिए, इंडक्टिव रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेजर डायग्राम्स होते हैं एग्जाम्स के लिए भी और जनरली अगर हम देखें। स्टेप्स बिल्कुल उसी तरह से हैं, हमने सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मर का फेजर बनाना शुरू किया था आइडियल ट्रांसफॉर्मर से अगर आप देखें तो सेम स्टेप्स को हम यहाँ फॉलो करते हुए आ रहे हैं और उन्हीं फेजर डायग्राम्स को हमने एक्सटेंड किया है विद ऑल द क्वांटिटीज, जितनी भी क्वांटिटीज हमारे पास यहाँ पर हाई हैं। तो 3 फेजर डायग्राम हमने बनाए तीनों केस के लिए और देखा कि आसानी से हम उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ये सब बना सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, यहाँ हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अगले आने वाले वीडियो में हम आगे ट्रांसफॉर्मर के जो टॉपिक्स हैं उन सबको आगे डिस्कस करेंगे, राइट। टिल देन आप इन टॉपिक्स को अच्छे से देख के समझिए और जितने भी चीजें अभी तक पढ़ी हैं उन सबको आप समझ जाएंगे तो आपको क्लियरली ट्रांसफॉर्मर का जो बिहेवियर है वो समझ में आने लगेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।